हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक, आप सभी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक विद एमजी। तो दोस्तों आज की वीडियो अपनी काफी इंटरेस्टिंग काफी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेडमी नोट 6 प्रो और रियलमी 2 प्रो के कंपैरिजन के बारे में। दोनों के स्पेसिफिकेशन, दोनों की प्राइस इस वीडियो में रिवील होने वाली है, सब कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर। तो अपन सबसे पहले बात ही कर लेते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो दोनों ही फोन्स Redmi Note 6 Pro और Realme 2 Pro का मेरे स्क्रीन पे डिजाइन देख ही सकते हो। जो Redmi Note 6 Pro है वही सारे अपने फोन्स के अंदर वही घिसा बेटा एक ही डिजाइन, वही ड्यूल कैमरा रियर सेटअप पीछे और वही बड़ी नॉच। इसमें Note 6 Pro में थोड़ी इन्होंने बड़ी नॉच दे दी है, कुछ ज्यादा इन्होंने डिजाइन अंतर किया ही नहीं है और ये करते भी नहीं है अपने कुछ डिजाइन के अंदर। और जो Realme 2 Pro उसका काफी प्रीमियम डिजाइन है, काफी अच्छा डिजाइन दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो नॉच दी गई है वो काफी ज्यादा छोटी नॉच दी गई है, तो काफी अट्रैक्टिव नॉच दी गई है, काफी अच्छी। जो Realme 2 Pro काफी अच्छा लगता है देखने में, तो एज कम्पेयर टू Redmi Note 6 Pro जो Realme 2 Pro उसका डिजाइन काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो इसमें जीतापन अपना Realme 2 6 Pro। आप सभी को क्या लगता है इन सारे ही जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, तो इन सबका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अपन बढ़ते हैं अपने अगले स्पेसिफिकेशन की तरफ। अब इनकी डिस्प्ले की बात की जाए तो जो Redmi Note 6 Pro है वो आपको मिलता है 6.2 इंच के साथ, जो Realme 2 Pro है वो आपको दिखता है 6.3 इंच के साथ। तो थोड़ा माइन्यूट सा फर्क है डिस्प्ले इंच में, क्योंकि जो Realme 2 है वो थोड़ा सा बड़ा है Redmi Note 6 Pro से, तो बड़े होने के कारण जो Realme 2 6 Pro की उसकी जो डिस्प्ले है वो उभर के आती है, इन द सेंस काफी अच्छी लगती है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, तो काफी फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है दोनों, तो जो बड़ी डिस्प्ले वो काफी क्वालिटी की डिस्प्ले लगती है Realme 2 Pro की। तो इसमें मेरे हिसाब से जो डिस्प्ले में वो Realme 2 Pro जीता। अब बात कर लेते हैं कि बैटरी के बारे में कि भाई कितनी देर तक ये फोन आपको साथ रह सकते हैं, आपके साथ नहीं छोड़ेंगे। तो बैटरी की बात की जाए तो Redmi Note 6 Pro है वो आपको साथ ज्यादा देर तक निभाएगा, यानी कि जो Redmi Note 6 Pro है इसकी 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, और जो Realme 2 Pro है उसकी 3500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो ऑब्वियस Redmi Note 6 Pro इसमें विजेता हो चुका है, वो ही आपके साथ जरा देर तक सब है आपके साथ निभा पाएगा, तो Redmi Note 6 Pro इस चीज में अभी तक जीत चुका है। वेरिएंट्स की बात कर ले रहे हैं तो वेरिएंट्स आपको जो Redmi Note 6 Pro है आपको उसमें दो देखने को मिलते हैं, 3GB रैम और 4GB रैम और 64GB 32GB वाला स्टोरेज आपको देखने को मिलता है Redmi Note 6 Pro के अंदर। और Realme 2 Pro के अंदर देखा जाए तो आपको तीन वेरिएंट आपको देखने को मिलते हैं, 4GB रैम, 6GB रैम, 8GB रैम। और स्टोरेज की बात की जाए तो 64GB और 128GB स्टोरेज आपको Realme 2 Pro के अंदर देखने को मिलता है, तो काफी अमेजिंग की वेरिएंट्स और बैटरी आपको मैंने बताई थी कि Redmi Note 6 Pro आपको काफी देर तक आपका साथ निभाएगा। अगर अपन इनकी प्राइस की बात की जाए तो प्राइस काफी इंटरेस्टिंग है, आपको मैं बता दूं जो Redmi Note 6 Pro है इसकी प्राइस अभी तक रिवील नहीं हुई है, और जो Realme 2 Pro है इसकी प्राइस रिवील हो गई है। क्या पता आप जब तक वीडियो देख रहे हो तो Redmi Note 6 Pro की प्राइस भी रिवील हो गई हो, तो आप मुझे गाली मत देना कि भाई तू तो कह रहा था रिवील नहीं हुई, यहाँ तो रिवील है, तो वीडियो आप पहले देख लोगे। तो जो Redmi Note 6 Pro है इसकी आपको प्राइस लगभग 15,000 के अराउंड ही पड़ेगी, अभी रिवील नहीं हुई है अच्छी तरीके से। जो Realme 2 Pro की आपको मैं प्राइस बता देता हूँ, काफी ज्यादा अमेजिंग प्राइस है, काफी ज्यादा अमेजिंग प्राइस है। मैं आपको बता दूं जो Realme 2 Pro है इसकी आपको 13,990 यानी कि 14,000 आपको सबसे बेस वेरिएंट की प्राइस मिलती है आपको Realme 2 Pro के अंदर। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, में उम्मीद करता हूँ, अरे 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 रुको 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 आप मेरे को गाली दे रहे, भाई तुमने प्रोसेसर नहीं बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोसेसर तुम कैसे बताना भूल गया, भूला नहीं हूं अब बताता हूं उनका प्रोसेसर काफी अमेजिंग है इस चीज है प्रोसेसर, इसलिए मैंने लास्ट में छोड़ा था इस बार प्रोसेसर को। प्रोसेसर जान लेते हैं तो Redmi Note 6 Pro है, Redmi से अपन क्या उम्मीद कर सकते हैं, Redmi Note 6 Pro कहता है कि जो Redmi Note 5 Pro आया था उसका सक्सेसर है Redmi Note 6 Pro, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बताता हूं क्यों। वही Redmi का सबसे फेवरेट 636 प्रोसेसर Redmi Note 6 Pro में आपको देखने को मिलता है, 636 इतना घटिया नहीं कह सकते अपन उस प्रोसेसर को, मतलब सक्सेसर है तो इन द सेंस उसमें भी 636 था, तो उसमें थोड़ा अच्छा और प्रोसेसर देना चाहिए था, 660 देना चाहिए था या कुछ और देना चाहिए था, नहीं दिया, 636 आपको देखने को मिलता है Redmi Note 6 Pro के अंदर। Realme 2 Pro आपको इस मामले में बहुत ज्यादा खुश कर देता है, क्योंकि Realme 2 Pro के अंदर आपको देखने को मिलता है 660 प्रोसेसर, हाँ एक बार और सुन लो, 660 प्रोसेसर आपको Realme 2 Pro के अंदर देखने को मिलता है, जो कि काफी अमेजिंग है काफी प्राइस में। अपनी प्राइस इसकी कितनी है, सिर्फ 14,000 में आपको इसका बेस वेरिएंट मिलता है, यानी कि 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला मिलता, क्या क्या है इसके अंदर आपको, बैटरी इसके अंदर आपको काफी अच्छी मिलती है, प्रोसेसर आपको इसका Snapdragon 660, अब आप सभी जानते हो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि Snapdragon 660 के बारे में, तो इस प्राइस में इतने प्रीमियम लुक के साथ जो Realme 2 Pro है वो अभी तक जीत चुका है 660 प्रोसेसर देकर। तो दोस्तों ये था दोनों का कंपैरिजन, मुझे अच्छा लगता है इन दोनों से फोन,
Realme 2 Pro. अब आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या अभी भी Redmi Note 6 Pro अच्छा लगा, तो फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी इनकी स्पेसिफिकेशन अच्छी लगी या कौन सा फोन आपको अच्छा लगा, स्मार्टफोन अच्छा लगा। मेरे को तो Realme 2 Pro लगा, अगर मुझे ऑप्ट करना होता तो मैं Realme 2 Pro को करता, क्योंकि काफी अच्छी प्राइस में काफी अच्छे फीचर्स दे रहा है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, में उम्मीद करता हूँ वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को दो ना यार बड़ा सा लाइक और शेयर भी करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि मैं आप सब ऐसे नए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ ब्रांड न्यू।